कर्क राशि वालों, अभी तक आपके पास आमदनी का एक भरपूर साधन बना हुआ था, वहां पर प्रभाव थोड़ा सा गड़बड़ा गया है और आज अचानक ग्रह ने जंप मारकर आपकी आमदनी के खाने में एक और ग्रह ने प्रवेश किया है। उस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, उसके फल के बारे में। आप आखिर तक आज का यह राशिफल देखते रहिए। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आज का आपका अपना राशिफल लेकर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर। ग्रहों ने फिर परिवर्तन किया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की तारीख में आपके 5 ग्रह वक्री हो गए हैं, यानी इस समय शनिदेव वक्री हैं, बृहस्पति देवता वक्री हैं, शुक्र देवता वक्री हैं, राहु महाराज वक्री हैं और केतु महाराज भी उल्टे घूम रहे हैं। यानी केवल 4 ग्रह मार्गी हैं, यानी सीधे सीधे चल रहे हैं, और ये 5 ग्रह उल्टा दिशा में घूमना शुरू हो गया है। और निश्चित ही जब जब ये ग्रह उल्टी दिशा में, यानी इसी पीरियड में हर साल घूमते हैं, ये 4, 5 या 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है समय समय पर, अप्रैल मई से वक्री होना प्रारंभ करते हैं रफली, और वो अगस्त सितंबर तक वक्री रहते हैं। और इस वक्री काल के दौरान ही हमारे देश में बाढ़, तूफान, आंधी, बिजली गिरने से लोगों की मौत, गांव का बह जाना, हमारे फसलों, किसान भाइयों की फसलों का नष्ट होना और प्राकृतिक आपदा का आना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे ज्यादा विनाशकारी दृश्य आपने इसी पीरियड में देखते हैं हर साल। तो अब जब हम एक तरफ इस महामारी की चपेट में हैं और दूसरी तरफ ये प्राकृतिक आपदा आनी प्रारंभ होगी, तो हमारे ऊपर किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, इसका आकलन आने वाले भविष्य में ही छुपा हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको आज के ग्रह गोचर के बारे में बताता हूं। आज सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं, बुध देवता ऑलरेडी वृष राशि में ही हैं और शुक्र देवता भी वक्री होकर वृष राशि में है, राहु महाराज मिथुन राशि में है, केतु महाराज धनु राशि में विराजमान है, दोनों ही वक्री हैं, राहु और केतु सदैव ही वक्री होते हैं। यहां पर शनिदेव और बृहस्पति देवता दोनों ही वक्री होकर मकर राशि में विराजमान है। यहां अब बृहस्पति देवता नीच के भी हैं और वक्री भी हैं। मंगल देवता कुंभ राशि में विराजमान है और यहीं पर चंद्र देवता भी विराजमान है। तो आज का यह गुरु ग्रह गोचर, यानी आसमान में जो ग्रह हैं वो किस किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बारे में आपको न सिर्फ जानकारी देता है अपितु आपकी कुंडली के सापेक्ष में, यानी आसमान में अगर ग्रह अच्छे हैं और आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आसमान में खराब हैं ग्रह और आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत कम हानि होने की संभावना होगी, आप नॉर्मली चलते रहेंगे। तो इस परिपेक्ष में अगर आप इस भविष्य फल को देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ करेगा। और ये आज के जो मैं आपको राशिफल बनाता हूँ, ये आज से ही संबंधित नहीं, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है मैं उसकी पूरी गणना करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी गणना के फलस्वरूप हमारी इस गणना की प्रशंसा करते हुए, हमारी इस नॉलेज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका से अभी प्रोफेसर क्लारा डॉक्टर हैं जो रिसर्च कर रही हैं हमारे विभिन्न वैदिक अनुसंधानों के ऊपर, वो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए अमेरिका से स्वयं चलकर आई। पीछे डॉक्टर निकोल मियामी अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इत्यादि सीखने के लिए हमारे यहाँ महीनों आकर रही। इसके अलावा पूरी दुनिया से समय समय पर विदेशी, देशी तो आते ही आते हैं, देशी और एनआरआई तो स्पेशली आते ही आते हैं, विदेशी भक्तगण भी हमसे एस्ट्रोलॉजी के उपाय लेने के लिए लगातार आते रहते हैं। और यही नहीं, अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सीनियर एडवोकेट जो पीछे
एडिशनल सेशन जज भी रहे हैं, वो भी हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आ चुके हैं और सीखकर यहां से गए हैं। चलिए आज के पंचांग के बारे में डिस्कस करते हैं। आज विक्रम संवत 2077, तारीख 15 मई 2020, अष्टमी तिथि है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की। आसमान में धनिष्ठा नामक नक्षत्र है, इंद्र नामक योग है, राहु काल जो है 10:35 तक से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा, जबकि अभिजीत यानी शुभ कार्य करने के लिए कोई भी जो मुहूर्त रहता है वो 11:53 से लेकर 12:41 तक रहने वाला। लेकिन इसमें से आपको शुभ कार्य का समय ढूंढने के लिए राहु काल को घटाना अत्यंत आवश्यक होगा, वरना आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे प्रिय साथियों, आपकी बदौलत आज यूट्यूब पर हमारे 14,80,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अविलंब सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान की ये जो गंगा है ना, ये बहती रहनी चाहिए। और मैं तो आपसे बिना कहे चैलेंज देता हूं, आप किसी का भी राशिफल देखिए, जरूर देखना चाहिए। जिनके 1-1 लाख व्यू आ रहे हैं, 50-50 हजार व्यू आ रहे हैं, देखिए तो सही, वो आपको बता क्या रहे हैं। अगर देखेंगे नहीं तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कंपैरिजन कैसे करेंगे कोई कि मतलब किस प्रकार से आपको राशिफल बताने के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसमें ज्ञान नाम की कोई बात ही नहीं कही गई है। तो शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान की ये गंगा, जैसा कि मैं कह रहा था, बहती ही रहनी चाहिए। और अगर आप विशेष कुछ हमसे जानकारी चाहते हैं या कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के माध्यम से इस राशिफल के बारे में और अपनी कोई रिक्वायरमेंट के बारे में अवश्य हमें बताएं, हम निश्चित ही आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति से स्पष्ट है कि अनवांटेड यात्रा करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु यात्रा करते समय सावधानी या वाहन दुर्घटना का विशेष ख्याल रखें, कहीं आपको परेशानी ना खड़ी हो जाए। बात करते हैं परिवारजनों का साथ, अब आपकी इनकम की तरफ चला गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकम में लाभ देता हुआ वो नजर आ रहा है, तो उस इनकम के लाभ का फायदा उठाने का प्रयास करें। हालांकि आपकी ओवरऑल इनकम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई कहीं नजर आ रही है, अड़चने भी अवश्य संभावित हैं। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो निश्चित रूप से वो भी आपकी आमदनी में आपको मदद पहुंचाते आ रहे हैं, तो उनकी सलाह लेकर उस पर अमल भी करिएगा, निश्चित रूप से आपकी आमदनी में फर्दर वृद्धि होगी। बात करते हैं माता के साथ आपके संबंधों की, तो माता के साथ अगर हम बात करें तो माता का आशीर्वाद लीजिएगा। अब हालांकि माता का आशीर्वाद थोड़ी सी उलझन से मिलेगा, लेकिन माता के चरण जब तक मत छोड़िएगा जब तक वो आशीर्वाद ना दें, और आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। कार्यस्थल पर जाते समय माता का आशीर्वाद लेकर अवश्य जाएं। यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स एकदम पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो गए, टेंशन में हो गए। जिन विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे नंबर नहीं आते, हम उनको गारंटी देते हैं कि अब आपके न सिर्फ हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, अपितु आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। या उन स्टूडेंट्स की बात करें जो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की बार बार तैयारी कर रहे हैं मगर सफलता हाथ नहीं लग रही, तो उन स्टूडेंट या उनके माँ बाप से कहना चाहेंगे, अरे आप कम से कम ये तो देखो कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो आपको दूसरी कैरियर की तरफ मजबूत कैसे किया जाए उसकी व्यवस्था करते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में 5-10% भी सरकारी नौकरी का योग है तो उस योग को मजबूत बनाया जाए, ताकि आप एक सरकारी नौकरी के मजबूत दावेदार बन के खड़े हो सकें। या फिर उन माता पिताओं की बात करते हैं जिनकी संतान उनकी बार बार बेइज्जती और अपमान करती है, चाहे संतान की उम्र 15 साल हो या 55 साल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी माँ बाप से या स्टूडेंट से हम कहना चाहेंगे, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा
जो साल में एक या दो बार करनी है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जो संतान से के प्रति जो परेशानी हो रही है उनके साथ पुनः अपने प्रेम को जागृत कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल या स्वयं मिलकर अथवा ईमेल के द्वारा आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर हमसे गाइडेंस ले सकते हैं और घर बैठे ही उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं या यहां से आकर भी ले सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपनी इन परेशानियों के लिए अवश्य संपर्क करें। और अब मैं कहना चाहूंगा कर्क राशि वाले उन युवक युवतियों से जो प्रेम संबंधों में समय बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रखे हैं, उनका साथी उनको धोखा दे रहा है या कोई उनका प्यार उनसे छीन लेना चाहता है जिसके लिए वो पूजा पाठ हवन या तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, या दोस्त है उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, या आपस में शादी नहीं करना चाहते हैं, या कोई और वजह हो जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके प्रेम संबंधों में निराशा छाई हुई है, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से कहना चाहेंगे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपायों के द्वारा आप अपने प्रेम संबंधों को न सिर्फ मजबूत कर सकते हैं अपितु खुशहाली ला सकते हैं, और उसके लिए आप घर बैठे या स्वयं मिलकर वीडियो कॉल के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा या ईमेल के द्वारा जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पर एक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, और इन उपायों का सहारा लेकर जिसमें आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई मुर्गों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू की बलि देने के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा लेकर अपने प्रेम संबंधों में मजबूती लाने का कार्य कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है, मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ और काम का सिलसिले में मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में गुरु माँ ने जो अंगूठ दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में मेरे को अभी बहुत हैप्पी हूँ, मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से ये अच्छा कर सकते हैं, तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव, थैंक यू गुरुमा, लव यू। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, ऐसे शत्रु जो मौका पड़ने पर यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर भी आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके व्यापार को या आपके कार्यस्थल पर आपका नुकसान करना चाहते हैं, तो ऐसे समस्त शत्रुओं को बंधन युक्त बनाने के लिए, बंधन में बांधने के लिए और उन्हें हमेशा भयभीत बनाए रखने के लिए ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा लेकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए वीडियो कॉल के लिए, फोन कॉल के लिए, ईमेल के लिए या स्वयं मिलने के लिए, और इन उपायों को पूरी दुनिया में आप घर बैठे भी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं या यहां से आकर स्वयं ले जा सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ अचानक से जो परिवर्तन अब शुरू हुआ है, तो वहां मिक्स फल का आपको अनुभव होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो अपने रिश्तों को सामान्य बनाने का प्रयास करें, हालांकि मैं जानता हूं आप मानसिक रूप से इस समय थोड़ा ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, तो अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, अपनी चिंताओं से दूर रहने का प्रयास करें। मैं पहले ही आपको बार बार कह चुका हूं, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने राशि रतन की और अपने भाग्य की और चिंता फिक्र देने वाले ग्रह की रतन मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की अंगूठी अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित ही आप स्ट्रांग बनेंगे, आपको जो बार बार आप आंसुओं से रोते उस सबसे धीमे धीमे करके कमी आती हुई
आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो इन रत्नों की अंगूठियों को आप धारण करें। अगर आपको ऐसी अंगूठियां मंत्र से धोकर नहीं प्राप्त होती हैं, तब बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर घर बैठे भी इन अंगूठियों को प्राप्त कर सकते हैं या हमारे यहाँ से आकर ले सकते हैं। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के सितारे यहाँ पर आपके लिए थोड़ी थोड़ी आप मदद करने लगेंगे। अभी तक जो बिल्कुल नेगेटिविटी दिखा रहे थे, अब वहां से थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी धीमे धीमे करके। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात की, तो कार्यस्थल के हालात में अचानक से परेशानी खड़ी हो जाएंगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आमदनी के मसले में जरूर आपका समय अभी अच्छा है, और भी अच्छा होने की संभावना नजर आ रही है, कोई इंक्रीजमेंट वगैरह की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अंत में मैं बात करना चाहूंगा कर्क राशि वाले उन व्यक्तियों के बारे में जो संतान ना होने की वजह से बहुत परेशान है। ऐसे समस्त संतानहीन दंपतियों से कहना चाहूंगा कि आप अगर डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अब आप समझ लीजिए आपको दवा से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। और इन दुआओं के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल, स्वयं मिलकर या ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने घर गृहस्थी में संतान रूपी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये जो वैदिक उपाय हैं, ये आप घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं हमारे यहाँ से आकर ले सकते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपकी ओवरऑल ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए मैं आज के लिए आपको 5 में से 2 स्टार देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।